इस वीडियो में हम पावर बोर्ड और पावर प्लग का कनेक्शन करेंगे। तो उसके लिए हमने इसको खोल लिया है। यहाँ पर जो दो वायर दिखाई दे रहा है ये आपका एलईडी के लिए है, इंडिकेटर के लिए है, ठीक है। तो इसको एक न्यूट्रल देंगे, एक फेज देंगे, तो ये आपका एलईडी जलने लगेगा। तो कनेक्शन करने के लिए हम क्या करते हैं कि एक वायर लेंगे और ये आपका स्विच है और ये आपका सॉकेट है, ठीक है। तो हम इसके स्विच के ऊपर वाला सिरे को इसमें कनेक्ट करेंगे, ठीक है। और इसमें क्या करें, फेज वायर देंगे, बाकी इसमें क्या करेंगे, हम न्यूट्रल वायर जोड़ेंगे। तो जोड़ के दिखाते हैं आपको। इसको हम टाइट फिटिंग कर देंगे। इसको लगाते हैं यहाँ पे। इसमें हम फेज वायर देंगे, देते हैं। हमने यहाँ पे फेज वायर कनेक्ट कर दिया है और यहाँ पे न्यूट्रल वायर कनेक्ट करेंगे। अब देखिए यहाँ पे एलईडी वायर बचा है, तो एलईडी वायर का भी हम क्या करेंगे, एक यहाँ पे कनेक्ट करेंगे और एक यहाँ पे कर देंगे, ठीक है। क्योंकि एलईडी वायर को एक फेज चाहिए, एक न्यूट्रल चाहिए, तो हम एलईडी वायर को कनेक्ट करते हैं। तो हम पैक करेंगे। हम पावर प्लग का भी कुछ इस प्रकार कनेक्शन कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर दिया है अर्थिंग के लिए, अगर ज़रूरत पड़ेगा तो अर्थिंग देंगे, नहीं तो नहीं देंगे, ठीक है। अगर हमारे घर में अर्थिंग है तो अर्थिंग कनेक्ट कर देंगे, तो आपके लिए ही सुरक्षा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम अर्थिंग नहीं कर रहे हैं, तो इसको फिट करके हम सप्लाई देते हैं। देखिए हमने सप्लाई दे दिया और सही ढंग से काम भी कर रहा है।